हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। सलोन फैक्ट में आपका स्वागत है। गाइस, आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, बेस कलर और फैशन शेड। गाइस, अब बात करेंगे आज बेस कलर और फैशन शेड में क्या डिफरेंट होता है, क्या फ़र्क होता है, जो हम बेस कलर को बेस कलर कहते हैं, फैशन शेड को हम फैशन शेड कहते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, जिसको नहीं पता बेस कलर और फैशन शेड क्या होता है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है, बेस कलर के नाम से होगी। उसमें बेस कलर और फैशन शेड दोनों के बारे में मैं बता रखा है। तो गाइस, आज इस वीडियो में पहले मैं बता देता हूँ बेस और फैशन शेड किसे कहते हैं, मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर आपको डीपली समझना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, बेस कलर हमारे क्या होते हैं आपको पता ही है। बेस कलर हमारे 1 से 10 तक के जो लेवल होते हैं सारे बेस कलर होते हैं। पहला देख रहा होगा ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन एज इट इज़। ये सारे ये हमारे अंडरलाइंग पिगमेंट होते हैं। बेस कलर आज का टॉपिक हमारा बेस कलर और फैशन शेड पर, तो आप देखिएगा ये हो गए हमारे सारे बेस कलर और ये हो गए गाइस हमारे सारे फैशन शेड। जैसे कि आप देख रहे हो 0.1 2 3 4 5 6 7। गाइस, इसमें नहीं है, ये मैट्रिक्स का बुक है। तो 7.7 मैट होता है ग्रीन, वो लोरियल में होता है, इसमें सीधा 0.8 मोका है। तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ, जितने भी बेस कलर जो हमारे होते हैं ये 1 से 10 तक के होते हैं। और जो फैशन शेड में क्या फ़र्क होता है, ये पॉइंट में होते हैं, जितने भी फैशन शेड होते हैं हमारे पॉइंट में होते हैं। ठीक है गाइस, मैं ये मैट्रिक्स में लोरियल के आपको फैशन शेड लिख के बता देता हूँ। जैसे कि हमारा पहले हम गिनते लिख लेते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। तो 0.1 क्या है हमारा एस, जिसको हम कहते हैं ब्लू। 0.2 क्या है हमारा वॉयलेट, जिसको कहते हैं हम इरिडिसेंट। 0.3 क्या है हमारा गोल्ड, जिसको कहते हैं हम येलो। 0.4 क्या है हमारा कॉपर, जिसे कहते हैं हम ऑरेंज। 0.5 है हमारा मोगनी। 0.6 है हमारा रेड और 0.7 हमारा मैट, जिसको कहते हैं हम ग्रीन। 0.8 है हमारा मोका, जिसको कहते हैं कॉफ़ी ब्राउन, ब्राउन शेड का जो होता है वो होता है हमारा मोका कलर। और ये देन हमारा 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 तक ख़त्म होते हैं। गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बेस कलर के बारे में वीडियो बना रखी है, वो जाकर देख लीजिएगा। इसमें से मैं फ़र्क बताऊंगा दोनों में क्या होता है। गाइस, ये हमारे जितने भी पॉइंट में आते हैं ना, वो सारी हमारी फैशन शेड होती है। अब जैसे कि 0.7 हमारा हो गया भाई ग्रीन, ठीक है। और ये हो गया हमारा 5 नंबर, ये हो क्या हो गया हमारा लाइट ब्राउन, समझिएगा गाइस। ये सिर्फ एक ट्यूब, इसका जो ट्यूब आता है ना गाइस, जैसे कि इसका ट्यूब आता है, ये 5 नंबर है। तो 5 नंबर की इसमें क्वांटिटी कितनी है, पूरी 100%, ठीक है। और बेस कलर हमारे क्या काम आते हैं, जैसे कि हम कोई टचअप कर रहे हैं, ग्रे कवरेज कर रहे हैं बालों को, तो बेस कलर वहाँ हमारे काम आएगी। एक फर्क डिफरेंट हमारा ये दिख रहा है, वो फैशन शेड क्या हमारी ग्रे ग्रे कवरेज नहीं करता, ठीक है गाइस। फैशन शेड जो है ना हमारी, बिल्कुल भी ग्रे कवरेज नहीं करता। अगर इसकी ग्रे कवरेज चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैशन शेड में ना थोड़ी सी बेस शेड मिक्स करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, हाउ मच मिक्सिंग रेशियो फॉर ग्रे हेयर, इस नाम से होगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, देख सकते हैं। अगर आपको फैशन शेड के साथ ग्रे कवरेज भी करनी है तो उसमें मैंने पूरा बता रखा है। तो इसका मैं फ़र्क दिखा रहा हूँ, बेस कलर हमारे ग्रे कवरेज करता है, बेस कलर जो होता है ना हमारा प्रॉपर ग्रे कवरेज करता है, और जो फैशन शेड है वो हमारी ग्रे कवरेज नहीं करता। देन दूसरा फ़र्क क्या है गाइस हमारा, जैसे कि इसमें 5 नंबर है, इसमें 100% होगा, ठीक है। अब इसमें बोलूँ मैं 8 नंबर जो लाइट ब्लोंड होता है, इसका जो ट्यूब होता है उसके अंदर जो क्वांटिटी होती है लाइट ब्लोंड की, हम बोलेंगे 100% होती है। अब मैं बोलूँगा 7.3 का ट्यूब है, इसके अंदर 7 कितना है और 3 कितना है, ये कैसे पता करेंगे हम। तो गाइस, इसमें 7 जो होगा ना हमारा 50% होगा, 0.3 भी हमारा 50% होगा। ओके गाइस, कितने कहते हैं 7 60% है, 40% 0.3, नहीं गाइस हाफ हाफ होगी। 7.3 करोगे ना तो 7 नंबर जो हमारा होता है ना, ये हमारा मीडियम ब्लोंड, ठीक है गाइस।
मीडियम ब्रो। 0.3 क्या हो गया हमारा गोल्ड, तो 7.3 करेंगे ना हम तो दोनों में ना गाइस। आप देखोगे 7 नंबर का हमारे पास कलर आएगा जो रिफ्लेक्ट आएगी ना, 0.3 की आएगी जो गोल्ड की रिफ्लेक्ट करेगा हेयर, अगर 7.3 का आप कलर करोगे तो। इसी तरीके से बात करते हैं हम, ये फ़र्क आ जाता है इसमें दोनों में, क्या फ़र्क है। ये ग्रे कवरेज कर देते क्योंकि इसमें इन क्वांटिटी पूरी 100% की होती है। फैशन शीट कवर क्यों नहीं करते इसमें, 50% सेवन है। अगर 5.3 भी लेंगे ना तो फाइव, उसमें जैसे 5.3 भी लेंगे ना तो उसमें भी 50% होगा और 50% ये होगा, तो पूरी फुल्ली कवरेज नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं हम। अब क्वेश्चन आता है हमारा जैसे कि 8.13 है, इसमें 8 कितना होगा, 0.1 कितना होगा, 3 कितना होगा, और जब हम कलर हम करेंगे तो किसकी रिफ्लेक्ट आएगी, 0.3 की आएगी या 0.1 की आएगी। तो हम बात करते हैं इसकी, तो हम जैसे 8.3 करेंगे तो 8 ये क्या है हमारा लाइट ब्लोन, शॉर्टकट में लिख रहा होगा इस। 0.1 क्या है हमारा एस और 0.3 क्या है हमारा गोल्ड, तो 8 इसमें क्या होगा 50%। गाइस याद रखे, कोई सी फैशन शर्ट हो आगे का जो बेस कलर होता, आगे हमेशा बेस कलर होता है हमारा, ये जो होता है ना बेस कलर होता है गाइस हमारा। और जो पॉइंट के बाद जितने भी पीछे आते हैं ना, नंबर 1 2 या 8.32 7.13, जितने भी पॉइंट के बाद आ रहे हैं सारी फैशन शेड है, और जो फर्स्ट वाले सारे बेस होते हैं। तो इसमें क्या है 8.13 है ना, तो इसमें आगे का जो फ्रंट का ये जो है ना, ये हमारा बेस है, तो इसमें बेस हमेशा 50% रहेगा। और 0.1 क्या है हमारा एस, तो इसमें 30% है, और गोल्ड कितना है इसमें 20% होगा, 50 30 20, तो ये टोटल बनेगा 100%, तब जाके कलर ट्यूब बनता है। इसमें क्वांटिटी में बता रहा हूँ कौन कौन सी कितनी होती है, तो जो कलर हम करेंगे ना तो इसमें रिफ्लेक्ट किसके आएगा, देखो तो बेस कलर है लाइट ब्लोंड, ये तो पूरा कलर हो जाएगा। रिफ्लेक्ट जो ऊपर पड़ती है सनलाइट में, जो हमें दिखती है लाइट में, उसे रिफ्लेक्ट कहते हैं। तो उसकी गोल्ड की नहीं दिखेगी, वो दिखेगी एस की। क्यों दिखेगी, इसका रीज़न यही है क्योंकि उसमें गोल्ड से ज़्यादा 30% एस है, तो इसकी रिफ्लेक्ट दिखेगी। तो गाइस कौन सा आपका क्लियर होगा, बेस कलर वही है, ग्रे कवरेज के लिए काम आ जाते हैं, टचअप के लिए काम आ जाते हैं, ग्लोबल में भी काम आ जाते हैं, कलर न्यूट्रल करने के लिए काम आ जाते हैं, वो बेस कलर हो गए। न्यूट्रल कैसे कर, जैसे कि गाइस किसी ने प्री लाइटनिंग कराई है, उसको वापस चाहिए प्री पिक चाहिए करवा करना पड़ेगा उसका, उसकी टॉपिक बनाऊंगा प्री पिक के ऊपर, वहाँ बेस कलर हमारा काम आता है। तो ये मेरा मेन टॉपिक था, बेस कलर कैसे समझे, किसमें कितनी क्वांटिटी होती है, पता चल गया होगा आपको गाइस। ग्रे कवरेज के लिए, अगर आपको ग्रे कवरेज करना है फैशन शेड के साथ, तो मेरे वीडियो बना रखे गाइस, जाके आप देख सकते हैं। वो यही रीज़न है कि हमारा जो फैशन शेड है वो ग्रे कवरेज नहीं करती, क्योंकि इसमें जो बेस की क्वांटिटी होती है वो 50% होती है गाइस। ठीक है, 50% होती है, वो 50% कहाँ से ग्रे कवरेज करेगी गाइस। ठीक है, जैसे कि बेस कलर जो हमारे इंडिया में 5 तक मिल जाते हैं, अब 6 भी मिल जाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली 5 तक मिलते हैं लाइट ब्राउन तक। तो जैसे 5.3 हो गए, 5.1 हो गए, ये कुछ हद तक कवर कर देते हैं ग्रे कवरेज, पर ग्रे कवरेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए होती है तो उसमें हमें बेस कलर यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।